हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। दिस इज़ आवर न्यू ट्रैवल व्लॉग जिसमें हम लोग जा रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को छोड़कर ऑन माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, दैट इज थाईलैंड। कैप्टन, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैं फॉरेन जा रही हूँ, इंडिया से बाहर जा रही हूँ, ना मेरे घर वाले बिलीव कर पा रहे हैं, तो एकदम समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूं। नर्वस भी हो रही हूँ, एक्साइटेड भी हो रही हूँ, बट बिलीव नहीं कर पा रही हूँ बस। सो हम लोग का चेक इन वगैरह सब हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड में बैंकॉक एंड पटाया। और फुकेट जाने का भी काफ़ी मन था बट वहाँ का प्लान नहीं हो पाया है। और हमारी ट्रिप है टोटल 6 to 7 days की, तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अभी तक की मेरे लिए बड़ी ट्रिप है ना, क्योंकि इंटरनेशनल जा रही हूँ जो कभी नहीं गई हूँ, ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अभी ओके, सो वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। अब हम जा रहे हैं कोलकाता और वहाँ से रात को 10:30 है हमारी फ्लाइट बैंकॉक के लिए। जा रहे हैं बैंकॉक वाया कोलकाता। वैसे तो लोग वाया दिल्ली जाना पसंद करते हैं लेकिन हम लोग जा रहे हैं वाया कोलकाता, तो उसके पीछे रीज़न ये है सबसे बड़ा कि कोलकाता जाने में, कोलकाता के थ्रू जाने से बहुत कम टाइम लगता है। लाइक रायपुर से दिल्ली ही अगर आप 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं, उसके बाद आपको 4.5 hours की कुछ दिल्ली टू बैंकॉक की फ़्लाइट है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और यहीं अगर हम कोलकाता के थ्रू जाते हैं तो 1.5 hour की कोलकाता तक पहुँच जाओ, और वहाँ से सिर्फ 2 hours की फ़्लाइट है फ्रॉम कोलकाता टू बैंकॉक, तो वो हम लोगों को बिल्कुल सही लगा कि 2 घंटे में हम लोग कोलकाता टू बैंकॉक पहुँच जाएंगे। ओके, सो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 2022 के हिसाब से अभी जो रूल्स हैं उसके हिसाब से हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, आप सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवाइए, आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए हो, उसके बाद आपको अपनी टिकट्स करवानी है, आपको अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना है, बस ये चारों चीज़ आप पहले करवाइए। उसके बाद आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को थाई पास के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये सब वहाँ अपलोड कीजिए, आपका 2 या 3 दिनों में थाई पास बनकर आ जाएगा। और वो सब, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट आउट निकाल कर एयरपोर्ट आ सकते हैं, आप कुछ एक भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एंड वीज़ा इज ऑन अराइवल, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो बहुत ही ईजी हो चुका है अभी ये सब कंट्रीज़ में ट्रैवल करना। एंड जो 2 दिन बाद जो जून जब लग जाएगा, तो तब तो काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल शुरू करने वाली हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा, वीज़ा के लिए काफ़ी वेट नहीं करना पड़ेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं थाईलैंड, बैंकॉक में लैंड कर चुके हैं, पता नहीं चला फ्लाइट कितनी जल्दी आ गई, हम लोग लैंड भी कर गए इतनी जल्दी। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए। और प्रोसीजर बताऊं अगर मैं, तो सबसे पहले हम जैसे लैंड किया हम लोगों ने, तो फ्लाइट में उन लोगों ने कि हमको पास टाइप का दिया हुआ था, एक फॉर्म दिया था, हमने वो फिलअप किया जिसमें हमारे पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह थी। फिर उसके बाद हम जैसे ही लैंड किए, हमने अपना थाई पास वेरीफाई करवाया, और उसके बाद थाई पास वेरीफाई करवाने के बाद हम लोगों ने आगे चल के अपना वीज़ा ऑन अराइवल के लिए फॉर्म भरा, और उसके बाद उसका वेरिफिकेशन का प्रोसेस चला, और वो विद इन 1.5 hour to 1 hour के बीच में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल गया है। और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो रहे हैं।